जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 गणित हिंदी माध्यम के थर्ड चैप्टर अवयव के प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और प्रश्नावली 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिए आप YouTube पे मामना इंस्टीट्यूट सर्च करें और सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप दबा दें, फिर आप मामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम तीसरा चैप्टर अवयव की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों से यक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है और जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो एक ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ये अवयव इस दूसरे अवयव के बराबर है तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और सुनिए, दो अवयव जब आपस में बराबर होते हैं तो ये भी आपको याद रखना है कि दो अवयव बराबर तभी होते हैं जब उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। और अवयव आपस में बराबर होंगे तो 4y के इक्वल होगा, 3z के इक्वल होगा, x1 के इक्वल होगा। तो दोनों अवयवों की तुलना करने पर यहाँ हम लिख देंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों की हम तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो देखिए y के जगह पे 4 है तो y इक्वल टू 4 हो गया और z के जगह पे 3 है तो z इक्वल टू 3 हो गया और x के जगह पे 1 है तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ भी दोनों अवयव बराबर हैं तो अगर दोनों अवयव बराबर हैं तो फिर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई जो होगा ये 6 के इक्वल होगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6। और फिर चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 और फिर देखें यहाँ से अगर 5 प्लस जेड की वैल्यू देखें तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम लोग देखते हैं तो अगर यहाँ से जेड की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 इधर आ जाएगा 5 माइनस 5, यानी जेड की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। और फिर अब x प्लस वाई इक्वल टू तो 6 है, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये देखें xy की जो वैल्यू है xy की वैल्यू 8 के इक्वल है। फिर यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालें, देखिए y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 6 माइनस x हो जाएगा और y की वैल्यू फिर हम यहाँ रख देते हैं तो ये हो गया x और y के जगह पे 6 माइनस x इक्वल टू 8 हो जाएगा। और फिर देखिए सॉल्व किया जाए क्या मिलता है हम लोगों को, तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 6x और 8 बराबर के पहले आएगा माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करने के लिए 8 का ऐसा खंडन कीजिए कि जोड़े तो 6 हो जाए, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 2x + 8 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 4 = 0, और फिर दोनों में जो कॉमन है वो x माइनस 4 तो बचेगा x माइनस 2 = 0, फिर बारी बारी से 0 के बराबर करें, x माइनस 4 = 0 तो x = 4 हो गया, और x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2 हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू मिली 2 और y की जो वैल्यू थी, अच्छा y की वैल्यू अभी नहीं निकली है, ठीक है, तो अब x की वैल्यू हम रख देते हैं। x देखिए, x की 2 वैल्यू निकली हैं, x की वैल्यू 2 निकली है और x की वैल्यू 4 निकली है, तो अब हम रखते हैं यहाँ पर y = 6 - x में, तो जब x = 2 होगा तो y = 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा, और जब x = 4 होगा तो y = 6 - 4 यानी कि 2 हो जाएगा। तो चले देखें आंसर, जब x = 2 तो y = 4 और z की वैल्यू 0, एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा आंसर जो होगा अगर x = 4 तो y = 2 हो गया और z = 0 तो रहेगा ही। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक आव्यूह में x + y + z और फिर x + z और y + z, दूसरे में दिया हुआ है 9 है 5 है 7 है, तो चलिए इन दोनों को फिर, ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे, यानी x + y + z = 9 है, और फिर दूसरे वाले पे देखें तो x + z = 5 है, और फिर y + z = देखें तो 7 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। काम करते हैं, इक्वेशन 3 से y + z की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, तो अगर रख देंगे तो देखिए x + y + z के जगह पे 7 हो जाएगा, = 9, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9 - 7 यानी x की वैल्यू 2 हो गई। अब हम x की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं, तो लिख देंगे x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, तो देखें ये हो जाएगा 2 + z = 5, तो यहाँ से z की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 - 2 होगा यानी z = 3 हो जाएगा, और फिर z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो z की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये y + 3 = 7 हो जाएगा, तो y = 7 - 3 यानी y = 4। तो इस प्रकार आपको आंसर मिला, यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 मिली, y की वैल्यू 4 मिली और z की वैल्यू 3 मिली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का आंसर था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है समीकरण इतना बराबर इतना से ABCD का मान ज्ञात कीजिए। ABCD का मान ज्ञात करना है, A का भी मान ज्ञात करना है, B का भी मान ज्ञात करना है, C का भी मान ज्ञात करना है और D का भी मान ज्ञात करना है। चलें आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और दोनों अवयवों का अगर कंपैरिजन करें तो देखें क्या मिलेगा। तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, ये हो जाएगा a - b = -1, और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो ये है 2a + c = 5 हो जाएगा, और फिर आगे हम देखें यहाँ पर
ये 2a माइनस बी इजकल टू ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ देखे 3c प्लस डी इजकल टू 13 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, इसको इक्वेशन नंबर थ्री और इसको हम इक्वेशन नंबर फोर करके सॉल्व करते हैं। चलिए एक काम किया जाए, 2a माइनस बी इजकल टू ज़ीरो है तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो 2a हो जाएगा। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो इक्वेशन वन में रखेंगे, देखिए a और b के जगह पे हो जाएगा 2a माइनस वन, फिर a माइनस 2a माइनस a इजकल टू माइनस वन हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a के जगह पे 1 हो गया। अब a का मान हम इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं तो a की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे तो 1 माइनस बी इजकल टू माइनस वन, फिर देखिए क्या होगा, माइनस बी इजकल टू माइनस वन। अब 1 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, यानी माइनस बी इजकल टू माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इजकल टू 2 हो गया। अब देखें a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर टू में रख देते हैं और इक्वेशन नंबर टू में रख करके देखते हैं कि क्या मिलता है, तो 2a के जगह पे 1 रखते हैं प्लस c इजकल टू 5 हो जाएगा, और फिर देखें 2 प्लस c इजकल टू 5 तो c इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 हो गया। अब इसके बाद ये जो C का मान है, C का मान इक्वेशन नंबर फोर में अगर हम रखते हैं तो फिर देखते हैं, अब हम C की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर फोर में और फिर देखें क्या मिलेगा, 3C के जगह पे 3 हो जाएगा और प्लस D इजकल टू 13 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस D इजकल टू 13, D इजकल टू 13 माइनस 9 तो D इजकल टू हो जाएगा ये 4। तो इस प्रकार आप ध्यानपूर्वक देखें, हमें A B C D की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ हम लिख लेते हैं A की वैल्यू जो निकली है 1 निकली है और B की वैल्यू 2 निकली है और फिर C की जो वैल्यू है 3 निकली है और D की वैल्यू 4 हो गई, यही हम लोगों का आंसर रहा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। अब हम आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि यदि a इजकल टू ए आई जे, तो i जो होता है पंक्तियों की संख्या होती है और j स्तंभ का संख्या होता है और m इंटू n आव्यूह का क्रम होता है। तो देखें आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है, तो हमने आपको वर्ग आव्यूह की जब डिफिनेशन बताया था तो उस समय हमने बताया था कि वर्ग आव्यूह तब होता है जब स्तंभ और पंक्तियां दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं। तो स्तंभ और पंक्तियां, स्तंभ पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो पंक्तियों की संख्या जब स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तो आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। इसका मतलब कि सी विकल्प इसका सही होगा और डी विकल्प में दिया था कि इनमें से कोई नहीं, तो डी विकल्प से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि यक्स तथा वाई के प्रदत्त किस मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आव्यूह आपस में समान हों तो यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए एक्स वाई और जेड की, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, हम दोनों आव्यूहों को समान कर देते हैं और समान करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं, ये 3x प्लस 7 इजकल टू 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 7, तो x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 7 अपान 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम y को देखें, y का कंपेरिजन करें तो y प्लस 1 इजकल टू, यह 8 है
तो y इजकल टू 8 माइनस 1 यानी y इजकल टू हो जाएगा 7। तो x और y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, तो इसमें x की वैल्यू जो हम लोगों की निकली थी ये माइनस 7 अपॉन 3 और y इजकल टू 7। तो देखें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो देखिए कोट दिया है 3 × 3, तो कोटियों की संख्या अगर हम देखें तो ये m होता है और ये n होता है। तो m की वैल्यू अगर हम देखें तो m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। अब देखें तो 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों के कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, यानी जितने भी अवयव होंगे अवयव में से या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ज़रा ये देखिए कुल मिला करके कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि अवयवों की जो संख्या होती है तो अवयवों की संख्या 2 है और इसका पावर हम m इंटू n कर लेते हैं। तो m इंटू n 9 है, तो m इंटू 9 यानी 2 का पावर 9 हो जाएगा और 2 का पावर 9 की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512, यानी कि इसका जो डी विकल्प है डी विकल्प सही है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। तो अवयवों पर संक्रियाओं के अंतर्गत हम अवयवों का जोड़, अवयवों का घटाना, अवयवों का गुणा और अवयवों का भाग भी हम लोग देखेंगे और फिर जो है हम लोग आगे की चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।